Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CMET Group of Institution. Today we will discuss provision for bad and doubtful debts. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि फाइनल अकाउंट बनाते समय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, या यू कहें कि ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो थोड़ा इससे पहले हम लोग इसका मीनिंग के बारे में इसके मीनिंग के बारे में समझ लें कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज द पार्ट ऑफ या इज द टाइप्स ऑफ डेटर्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो डेटर अकाउंट्स का एक टाइप्स है। डेटर अकाउंट्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेटर्स। फर्स्ट कहते हैं गुड डेटर, सेकंड कहते हैं, यहां पर इस तरह से समझ सकते हैं कि डेटर आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरी। फर्स्ट कहते हैं गुड डेटर, यानी वो सारा मतलब डेटर जिससे सही समय पर पैसा रिलाइज हो जाए, यानी जिससे टाइम टू टाइम कह करके पैसा लिया कि आफ्टर टू मंथ में हम पैसा क्या करेंगे, आपको पे कर देंगे, तो इट इज कॉल्ड गुड डेटर। उस डेटर को हम लोग क्या कहेंगे, गुड डेटर कहेंगे। लेकिन कभी कभी बिजनेस में ऐसे देखने को मिलता है कि जिसके ऊपर में डाउट होता है कि ये पैसा दे भी सकता है और ये पैसा नहीं भी दे सकता है, तो इट इज कॉल्ड डाउटफुल डेटर। इसको हम लोग, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, डाउटफुल डेटर। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो पैसा आपको वापस आए ही नहीं, मतलब कि जी जो डेटर आपको समय पर बोले क्या कि हम आपको आफ्टर टू मंथ, आफ्टर थ्री मंथ या विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, तभी तो ये करंट एसेट्स के कैटेगरी में आते हैं, तो वो सारा डेटर जिससे मनी रिलाइज ना हो तो उसको हम लोग बैड डेट्स के कैटेगरी में रखते हैं। उसको हम लोग बैड डेट्स कहते हैं कि वो सारा अमाउंट जो डेटर से रिलाइज ना हो, यानी अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर, इट इज कॉल्ड बैड डेट्स। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय, तो बैड डेट्स चूंकि बिजनेस के लिए लॉस है इसीलिए इसको डेबिट करते हैं और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो बैड डेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक उसी तरह से अगर आपको डाउटफुल डेटर हो गया तो इसका मतलब है, ये दो तरह से क्वेश्चन में गिवन होता है, एक तो एज पर ट्रायल बैलेंस और एक एज पर एडजस्टमेंट। तो जो एज पर ट्रायल बैलेंस है उसको हम लोग ओल्ड रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, यानी क्वेश्चन में आपको इस तरह से हो सकता है कि आप तो कभी आपको कहे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में लिख सकते हैं provision for bad and doubtful debts। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एज पर ट्रायल बैलेंस है, यानी ट्रायल बैलेंस में पहले से अपीयर है, तो हम लोग इसको ओल्ड रिजर्व कहेंगे, लेकिन अगर यही एडजस्टमेंट में हो तो इसको हम लोग न्यू रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट सिचुएशन से तो चार पांच सिचुएशन है जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट सिचुएशन। तो ये कंडीशन ये है कि वेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज नॉट एग्जिस्ट इन ट्रायल बैलेंस, यानी ये पहले से ट्रायल बैलेंस में नहीं हो तो इसका ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें सिंपल है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम कंपेयर करते हैं किससे, तो इस तरह से यहाँ पर जैसे मान लेते हैं पहले से अगर बैड डेट्स है तो इस बैड डेट्स अमाउंट में हम लोग ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स को और इसमें ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है इसमें से हम लोग डिडक्ट करते हैं लेस रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जिसको हम लोग न्यू रिजर्व कहते हैं। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को इसमें से डिडक्ट करके और तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में शो करते हैं। हाँ, दूसरा जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो फाइनल अकाउंट बनाते समय हम इसको बैलेंस शीट में डेटर में से
डिडक्ट कर देते हैं। तो यानी यहाँ पर ये हुआ कि ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो इसमें इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो डिडक्टेड फ्रॉम संडी डेटर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक सिचुएशन समझे, फिर इसको हम नेक्स्ट यानी कल से नेक्स्ट वीडियोज में इसके आगे के सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।